हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज व्हाट थर्ड वीडियो लेक्चर फॉर द जनरली टॉपिक इन विच जस्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ थ्री और मोर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तीन या फिर तीन से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एडिशन करना हो तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। जैसे तीन पर्टिकुलर टेन इनवर्स के अगर तीन एडिशन है तो वैसे हम लोग अब तक कैसे करते आते थे एनसीईआरटी के फॉर्म से। अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एनसीईआरटी की बोर्ड में, एनसीईआरटी के बुक में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिसमें हमको टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे छोटे मोटे। मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चन हो और मुझे अगर फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, इससे जो आंसर बनेगा उसका फिर टेन इनवर्स का फॉर्मूला इस टेन इनवर्स जेड के साथ लगा दो, एंड देन फाइनली आप कलेक्ट करके आंसर बना लो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, है ना। बट अगर मुझे सपन लो इसमें शॉर्टकट लगाना है या फिर फटाफट से आंसर लाना है, ये तीन टेन इनवर्स के फॉर्मूला को डायरेक्ट मुझे सॉल्व करना है तो फॉर्मूला सिंपल सा है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये तीनों का एडिशन डायरेक्टली एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई जेड, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड। ठीक है ना, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, एंड अगर तीन से भी ज्यादा हो, थ्री और मोर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर तीन से भी ज्यादा हो तो फिर कैसे करना है। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स वन प्लस टेन इनवर्स एक्स टू प्लस अप टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब अगर चार है तो यहाँ पे एक्स फोर तक आएगा, पांच है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, तो यहाँ पे एन इक्वल टू फाइव होगा। ठीक है, तो हम उसमें कैसे करेंगे, तो समझ लो अगर यहाँ पे इस तरह से पांच फंक्शन या छह फंक्शन है टेन इनवर्स के, उसका एडिशन का फॉर्मूला बनाने, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स ऑफ एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस वन अप टू अप टू डैश 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 चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स अप टू ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब ये कहां तक जाना है उसके लिए हम क्या देखेंगे, समझ लो पहले तो एस वन एस थ्री एस फाइव क्या है। एस वन मतलब ये सभी टर्म का एडिशन, वन वन टर्म को लेके एडिशन, एस मतलब समेशन। ठीक है, वन वन एक एक टर्म लेके समेशन, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का सिंगल सिंगल टर्म का समेशन। एस टू मतलब ये एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री एक्स वन एक्स फोर, दो दो की पेयर जितनी भी पॉसिबल हो वो सबका समेशन। एस टू मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, जी समझ लो यहां पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये चार है ना, समझ लो क्या है, चार है। ठीक है, अगर मेरे पास चार ऐसी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर चार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन है तो मेरे पास ये पेयर कितनी पॉसिबल हो सकती है। देखो तो पैर में x1 x2 हो सकता है, x1 x3 फिर x1 x4 फिर x2 x3 x2 x4 एंड x3 x4, मतलब ये छह अलग अलग पैर पॉसिबल हो सकती है, तो ये छह के छह का समेशन यहां पे आएगा। ठीक है, एंड s3 मतलब तीन तीन के ट्रिपलेट जितने भी पॉसिबल हो उसका एडिशन, s3 समेशन ऑफ थ्री थ्री टर्म्स के ट्रिपलेट, है ना, तीन तीन के ट्रिपलेट जितने भी है उस सबका समेशन। तो तीन तीन के समझ लो इसमें बनाने तो कितने बनेंगे, वन टू थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स फोर एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर एंड एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, है ना, कितने बनेंगे, तो ये चार बनेंगे, है ना। अगर एस फोर लेना होता, अगर एस फोर लेना तो ये चारों के चारों टर्म यहां पर एक साथ में मल्टीप्लाई हो जाते, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक ही बनता, और पांच एस फाइव एस सिक्स है तो बनेगा ही नहीं। तो अगर मुझे समझ लो ये चार टर्म के लिए एडिशन का फॉर्मूला बनाना होता तो यहां पे कहां तक टर्म आते, तो यहां पे S1 आता, हाँ आता, S1 बन जाता, S3 भी बन गया देखो, एंड S5 तो यहां से नहीं बनेगा, S7 नहीं बनेगा, तो मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 बनेगा, हाँ बनेगा, S4 बनेगा, हाँ बनेगा, फिर S6 वो सब नहीं बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, चार टर्म के लिए। अगर मेरे पास चार टर्म है तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके ये वाला बन जाएगा, ये एस फाइव एस सेवन यहाँ पे डैश 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 है वो सब आएंगे नहीं, यहाँ पे नीचे एस सिक्स से आगे वाले कोई टर्म आएंगे नहीं। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे चार टर्म है तो इस तरह का फॉर्मूला बन गया। अगर पांच टर्म है तो एस वन एस थ्री एस फाइव तक बनेगा, नीचे वन एस टू एस फोर तक बनेगा। अगर समझ लो यहाँ पे एस एक्स सिक्स तक था, अगर छह टर्म होते तो भी यहाँ पे एस वन एस थ्री एस फाइव आता, एस सेवन नहीं आता, क्योंकि सात टर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो सात टर्म का एडिशन कैसे बनाए, एंड नीचे वन एस टू एस फोर एस सिक्स फिर एस एट नहीं आता, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि कहां तक मुझे टर्म लेने हैं। ठीक है, वैसे ये इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करना है,
तो कहां तक करना है, किस तरह से करना है, दैट आई विल डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गए अगेन. ओके, तो आई होप ये सब S1, S3, S5, S7 का सबका मीनिंग पता चल गया, किस तरह से मुझे पैर S1 में तो सिंगल सिंगल टर्म, S2 में पैर लेनी है, इसमें ट्रिपलेट लेनी है, इसमें चार चार टर्म के एक बंच बना के उसकी जितनी भी बंच पॉसिबल है वो सब लेनी है, S5 में पांच पांच के बंच बना के उसमें जितनी भी पॉसिबल उसका एडिशन, दैट्स वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. एंड उसको यहाँ पे रख देना है, उसकी वैल्यू बना के यहाँ पे रख देना है. ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला टेनवर्स का. मोर देन थ्री, अगर टेनवर्स वाले टर्म होते मोर देन थ्री तो ये फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए थोड़े क्वेश्चन करते हैं. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1, 2, 3 एंड 4, ये चार क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस आपको हो गई तो ठीक है. मतलब ये मेरे ख्याल से ये IIT NIT इस तरह के IEEE में पूछे गए क्वेश्चन हो या फिर कोई NDA वाली कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है. बराबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है. डेफिनेटली यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल क्वेश्चन, है ना. तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. x2 + y2 + z2 = r2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. यहाँ पे तीन टर्म है तो ये तीन टर्म वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे तो भी फटाफट से हो जाना चाहिए, है ना. तो फिर यहाँ पे दोनों पहला ये दोनों का सेपरेटली एडिशन का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसको तीसरे के साथ, यहाँ पे टेन इनवर्स है भाई, उसको तीसरे के साथ ऐड करके फिर अगेन फॉर्मूला लगाओ, दैट विल बी अगेन क्रिएटिंग लॉट ऑफ टाइम कंजम्पशन, है ना. वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा एंड डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्यूजन होगा, फाइनली आंसर नहीं भी बनेगा. सो बेटर वी कैन सॉल्व इट यूजिंग दिस फॉर्मूला नंबर वन. ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, टेनवर्स ऑफ x + y + z का एक डायरेक्ट आंसर बनाएंगे और इसको जरूरत पड़े तब यूज करेंगे, है ना. इसको तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा तीनों का पहले एडिशन x + y + z, मतलब यहाँ पे ये तीनों का एडिशन xy/z r + yz/x r + zx/y r, ठीक है, माइनस ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय क्या है, वन माइनस दो दो की पैर में मल्टीप्लीकेशन, है ना. ओके, ये दो दो की पैर में मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला इसका, टेनवर्स ऑफ x + y + z - xyz / 1 - xy, yz and zx, ये तीनों का एडिशन. उसको ब्रैकेट में रख दिया ताकि तीनों का तीनों टर्म प्लस में हो, फिर अगर ये ब्रैकेट छोड़ते तो ये तीनों टर्म माइनस में आएंगे. ओके, आप जितने हो सके उतने कैंसिल कर लो. तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई थिंक ये x कैंसिल, y, ये y कैंसिल, और ये z, और ये z कैंसिल. तो ऊपर बचा क्या भाई, ऊपर एक्स वाई जेड एक बचा और नीचे आर क्यूब बचा. ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स कैंसल एंड एक्स जेड कैंसल. ठीक है, ऊपर क्या बचा, y2 / r2, यहाँ पे y कैंसल एंड x कैंसल, और यहाँ पे z z y y. देन रिमेनिंग टर्म जितने भी बचे उसको मैं एक बार अगर लिख लूँ तो जो जो रिमेनिंग टर्म बचे उससे ये वाला पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. देखो उससे ये बन जाएगा टर्म, यहाँ पे ऊपर एक्स वाई जेड बचा, नीचे आर क्यूब बचा, ये तीनों टर्म एज इट इज, और यह वन माइनस यहाँ पे बचा ऊपर y2 / r2, यहाँ z2 / r2 एंड हियर x2 / r2. सो दैट्स वॉट वी हैव गॉट हियर. नाउ फाइनली इफ आई विल टेक LCM इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमेटर, देन बट LCM लेने से तो कोई फायदा नहीं होगा. इससे अच्छा यहाँ पे जो टर्म बन गया ना, ये टर्म, ये इसको यूज करके हम यहाँ पे r2 लिख लेते, फिर सिंप्लीफिकेशन देखते क्या होता है. तो यहाँ पे देखो ये जो चीज है ना, ये जो चीज, इसको नोटिस करो ये चीज को, तो ये क्या बन गया, ऊपर x2 + y2 + z2, नीचे r2, ऑब्वियसली LCM हो गया. सो दैट इज इक्वल टू, ये x2 + y2 + r2 = r2 दिया है, है ना. न्यूमरेटर इसका आंसर, इसका जो पर्टिकुलर, इसकी वैल्यू जो है वो r2 दी है क्वेश्चन के अंदर. सो दैट इज बीन यूज्ड ओवर हियर, देन वी गेट आंसर इज 1, है ना. तो फिर ये आंसर 1 हो गया किसका, तो अगर इसका आंसर 1 रख दे इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0. सो ये डिनोमिनेटर 0 हो गया. अब डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग बाय 0, है ना, समथिंग बाय 0. अब समथिंग बाय 0 लिख लिया मैंने, देन समथिंग बाय 0 क्या होगा, हमेशा ही इनफाइनाइट होगा. सो टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, पाई बाय 2. सो आंसर इज पाई बाय 2, खत्म.
दैट इज ऑप्शन बी. क्या हो गया? ऑप्शन बी. ओके, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन. इसमें भी आप टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा का फॉर्मूला लगाओगे, देन इफ यू सिंप्लीफाई डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग दिस काइंड ऑफ ऑप्शन. इसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन तो मिल जाएंगे. और कुछ दिया है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस अगेन विद द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला से ट्राई करते हैं इसको भी. सो क्वेश्चन टू में, आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. यू कैन सी ये सिंपली मैंने ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख ली है और कुछ नहीं किया, बराबर. बट जो जो जहां जहां पे मुझे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़े वहां पे अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं, अगर कैंसिलेशन हो सके तो, जैसे यहां पे एबीसी कैंसिल, एक एबीसी कैंसिल बराबर, फिर यहां पे ए बी कैंसिल, बीसी एक बीसी कैंसिल और ये एक एसी कैंसिल, ठीक है. तो बचा क्या, देखो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो बचा ए प्लस बी प्लस सी, नीचे सी स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर रूट सी हो गया. ये भी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी. तो इस तरह से इसको अगर रख के अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, देखो. और यहां पे भी एक स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर जो है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी दोनों के मल्टीप्लीकेशन में रख के ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दूंगा और एक को अंडर रूट के अंदर रखूंगा. सो बेस्ड ऑन दैट हाउ वी कैन आई सिंप्लीफाई इट, लेट मी सी. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट दिस टर्म. ये जो है इसको एज इट इज रख दिया मैंने, बराबर. और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब था, उसको स्क्वायर एंड एक पावर ऐसा बना के स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बचा और सिर्फ अकेला जो बचा अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का एक पावर उसको एज इट इज रखा एंड नीचे अंडर रूट ऑफ ए बी सी जो बचा उसको रख दिया, ठीक है. वैसे न्यूमरेटर में इतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमेटर में सोचो क्या हो सकता है, वो ज्यादा वन माइनस इसमें ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हुआ. देखो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, सी स्क्वायर का भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सी बचा. यहां पे भी ए प्लस बी प्लस सी बाई ए बचा और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी बाई बी बचा. ओके, सो फाइनली अब वापस एक बार सिंप्लीफिकेशन करने पे ऊपर न्यूमरेटर में जैसे आप देख सकते हो ये अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यहां पे भी है और यहां पे भी है और यहां पे भी है. सो लेट मी कॉमन अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर. तो ऑलमोस्ट सभी में सिंपल ये बस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलो वो स्टेप करते हैं यहाँ पे. ओके, न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन और बचा क्या, अंडर रूट ऑफ ए बाय बी सी प्लस अंडर रूट ऑफ बी बाय ए सी प्लस अंडर रूट ऑफ सी बाय ए बी. ओके, देन माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाय अंडर रूट ए बी सी. ओके, सो दिस इज व्हाट द न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, तीनों टर्म में है तो फिर बचेगा क्या, वन बाय सी प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी. ओके, नाउ इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर टर्म, यहां पे अगर मैं अंडर रूट ऑफ ए बी सी, अंडर रूट ए बी है, अंडर रूट ए सी, अंडर रूट बी सी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इसमें एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट ए बी सी, है ना. तो अगर मैं एलसीएम अंडर रूट ऑफ ए बी सी ले लेता हूं तो क्या होगा, देखो. तो अंडर रूट ऑफ ए बी सी तीनों में ऐसे कॉमन निकल जाएगा ना नीचे, मतलब सॉरी चारों टर्म में अंडर रूट ऑफ ए बी सी एलसीएम हो गया. अब समझ लो यहां पे नीचे ए नहीं है ना, अंडर रूट के अंदर ए नहीं है, तो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर ऊपर हो गया प्लस यहां पे ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ऊपर, है ना. सो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस यहां पे ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि अंडर रूट ए बी सी बन जाए नीचे, है ना, सो दैट वी कैन इजिली गेट एलसीएम ए बी सी. तो यहां पे ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दिया सो ऊपर बन गया अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर. और यहां पे अंडर रूट ए बी सी है मतलब ऊपर हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऊपर नीचे, ठीक है. तो ये एज इट इज माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ठीक है, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज. तो ये हो गया अपना न्यूमरेटर
ठीक है, ओके, एंड आई डोंट थिंक सो वी नीड टू चेंज समथिंग इन डिनोमिनेटर, नीचे कुछ चेंज करने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, एज इट इज लिख लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे अब नोटिस करोगे तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए और ये ए कैंसल, ये बी एंड दिस बी कैंसल, ये सी एंड सी कैंसल, इट मीन्स वॉट, ये न्यूमरेटर जीरो हो गया है ना, सब कुछ कैंसिल, तो ये जीरो हो गया, जीरो बाई समथिंग इज जीरो, दिस जीरो बाय समथिंग इज अगेन जीरो, सो फाइनली ये पूरा न्यूमरेटर क्या हो गया, जीरो, तो अल्टीमेटली टेन इनवर्स ऑफ जीरो बाय समथिंग है ना, और जीरो बाय समथिंग कितना होता है भाई, जीरो, सो फाइनली टेन इनवर्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है ना, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर टू है ना, ये सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया जीरो, ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या नोटिस किया कि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन गया था वहां पे सिंप्लीफिकेशन के बाद यूजिंग द थिंग्स विच दे हैव गिवन। सेकंड क्वेश्चन में अगेन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट था बट हमने इसको सिंप्लीफाई करके एनी हाउ ट्राई की, तो कोशिश की, तो नीचे यहाँ पे न्यूमिनेटर में जीरो बन गया, सो बेटर कहीं पे ऊपर या नीचे कहीं पे जीरो बन जाएगा और अपना क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा लास्ट में है ना। सो इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, देन डेफिनेटली वी कैन अप्लाई इट एंड आफ्टर गेटिंग सम सिंप्लीफिकेशन स्टेप वी डेफिनेटली गेट अवर आंसर है ना यूजिंग दैट फॉर्मूला। ओके, अब क्वेश्चन थ्री में, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर आर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स एस टू फोर माइनस एक्स क्यूब साइन टू बीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस टू बीटा माइनस एक्स कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू जीरो, देन फाइंड टेन इनवर्स एक्स वन प्लस टेन इनवर्स एक्स टू प्लस टेन इनवर्स एक्स थ्री प्लस टेन इनवर्स एक्स फोर। ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एडिशन फॉर्मूला ऑफ दिस फोर टेन इनवर्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, देन वी शुड हैव टू यूज द फॉर्मूला नंबर टू, दैट इज ईयर विच इज गिवन ओवर ईयर। दैट्स व्हाई मैंने जब यहाँ पे बोला था तब तब डायरेक्टली बता दिया था कि एक क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, वहाँ पे मैं बताऊँगा कि एस वन एस थ्री एस पी एस थ्री एस वन एस थ्री एस फाइव एस सेवन हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिनोटेशन इन अवर क्वेश्चन। ओके, सो इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो चलो इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला को, एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू विच वी वॉन्ट इन अवर क्वेश्चन। So let's apply the formula of tan inverse x1 plus tan inverse x2 plus tan inverse x3 plus tan inverse x4 equal to this one equal to, okay, equal to tan inverse of s1 minus s3 plus s5 होता है, but यहाँ पे पांच टर्म तो है नहीं, so that's why we just need to remove it, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, and in denominator we need to write 1 minus s2 plus s4 एंड एस सिक्स होगा आगे, बट अगेन वी डू नॉट हैव सिक्स टर्म सो वी डोंट नीड टू प्रोसीड फॉरवर्ड एंड द स्टॉप ओवर ईयर। दिस इज वॉट द फॉर्मूला। नाउ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वट इज एस वन एंड एस थ्री एंड एस टू एंड एस फोर, लेट्स फाइंड इट सेपरेटली, वेर एस वन इक्वल टू, एस वन इक्वल टू क्या होगा भाई, एस वन इक्वल टू क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर। ओके, x1 plus x2 plus x3 plus x4. Okay, now how we can find the value of this x1, x2, x3, x4 ka addition? That is, we can easily find by using this particular sentence. As you can see, x1, x2, x3, x4 are root of this equation. Ye equation ke, ye 4 power wale polynomial equation ka agar root hai, ye 4, to definitely sum of the root, x1, x2, x3, x4 ka sum, सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस बी बाय ए, फॉर्मूला इज व्हाट, माइनस बी बाय ए। तो यहां पे बी क्या है और ए क्या है, बी इज व्हाट, माइनस एक्स क्यूब एंड ए इज वन, माइनस सॉरी माइनस एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब का कॉफिशियंट दैट इज माइनस साइन टू बीटा बाय वन, तो बी की जगह लिख लेता हूं माइनस साइन टू बीटा एंड ए इक्वल टू वन, सो डिवाइडेड बाय वन, हेंस आंसर इज साइन टू बीटा, दैट इज एस वन। ओके, दैट इज एस वन। नाउ एस टू, एस टू इज इक्वल टू व्हाट, दो दो की टर्म में एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री एक्स वन एक्स फोर फिर एक्स टू एक्स थ्री एक्स टू एक्स फोर एंड एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है, दो दो की पेयर में जितने भी टर्म हो सबका एडिशन एस टू है, और एस टू का आंसर, तो यहाँ पे भी अगेन ये फोर पावर वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन में सम ऑफ द रूट मिल सकता है, यस,
फिर दो दो की पैर में जब पैर बनाते हैं उसका एडिशन का फॉर्मूला भी यहाँ से ही मिल जाता है। उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई है ना यहाँ पे, सो ये बन जाएगा सी बाई ए, दिस बिकम सी बाई ए। ओके, तो सबके फॉर्मूला एक साथ में बना लेते हैं, फिर एस थ्री बना लेते हैं। चलो देन आफ्टर आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एस वन, एस टू, एस थ्री। एस थ्री में तीन तीन टर्म, तीन तीन ट्रिपलेट के एक साथ में जितने भी पॉसिबल हो सभी कॉम्बिनेशन का एडिशन, और ये ट्रिपलेट का एडिशन अगेन इफ यू वांट तो यहाँ से मिल जाएगा, ये माइनस बी बाई ए था, फिर सी बाई ए, देन माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। एंड अगर चारों की चारों टर्म का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, दैट इज व्हाट, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए एंड ई बाई ए, है ना। फॉर्मूला कैसे बनेगा, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए, अगर आगे कुछ है तो माइनस एफ बाई ए, ऐसे माइनस प्लस चलता जाता है। एंड वी कैन इजीली फाइंड द एडिशन ऑफ एवरी टर्म। दो दो की पैर में एडिशन का फॉर्मूला, तीन तीन की पैर में एडिशन का फॉर्मूला, फोर फोर की पैर में एडिशन का फॉर्मूला, अगर पांच रूट होते तो पांच पांच की पैर में एडिशन का फॉर्मूला, ठीक है। सो बाय दैट वी कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ एनी एनी कंडीशन विच इज वी वॉन्ट इन दिस क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे चार चार टर्म के लिए है तो मैक्सिमम ई बाई ए तक आ सकता है। अब ए बी सी डी ई क्या होता है पता है ना, ए एक्स रेस टू फोर, बी एक्स, ये ए एक्स रेस टू फोर, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो, चार टर्म के फॉर्मूला है ना, फोर पावर वाला। तो ए बी का यूज करके तो हमने डेफिनेटली फाइंड कर लिया है एस वन। अब एस टू मतलब माइनस सी बाई ए है, सी बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट डिवाइडेड बाई ए, विच इज कॉस टू बीटा बाई वन, कॉस टू बीटा बाई वन, दैट इज कॉस टू बीटा। ओके, फिर एस थ्री इक्वल टू माइनस डी बाई ए, डी क्या है एक्स का कॉफिशियंट, माइनस डी बाई ए मतलब माइनस माइनस प्लस कॉस बीटा बाई वन मतलब कॉस बीटा ओनली, सो दिस बिकम कॉस बीटा। एंड एस फोर हो जाएगा ई बाई ए, ई मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस साइन बीटा बाई ए मतलब वन, तो ये माइनस साइन बीटा, ठीक है। नाउ इफ वी पुट ऑल द वैल्यू एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, देन व्हाट वी गेट, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। चलो इसके अंदर एस वन की वैल्यू क्या थी, एस वन इज इक्वल टू साइन टू बीटा, साइन टू बीटा माइनस एस थ्री इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस एस टू इक्वल टू कॉस टू बीटा एंड एस फोर माइनस साइन बीटा, वन माइनस क्या था अगेन, एस टू इक्वल टू कॉस टू बीटा, कॉस टू बीटा एंड एस फोर इक्वल टू माइनस साइन बीटा, तो माइनस प्लस माइनस 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 साइन बीटा। ओके, अब चलो इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है अभी हमारा काम। तो टेन ऑफ साइन टू बीटा मतलब हो जाता है टू साइन बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाई, ये जो टर्म है ना ये इतना, वन माइनस कॉस टू बीटा, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, टू साइन स्क्वायर बीटा, है ना, टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा। सो नाउ इफ वी कैन कॉमन आउट कॉस बीटा इन न्यूमरेटर एंड साइन बीटा इन डिनोमेटर, देन एज यू कैन सी कॉस बीटा ऊपर से और साइन बीटा नीचे से कॉमन निकालने के बाद जो ये दो टर्म बचेंगे वो दोनों टर्म अगेन यू विल गेट सिमिलर, दोनों सिमिलर है, दोनों कैंसल्ड, सो वट वी गेट कॉस बीटा बाई साइन बीटा विच इज कॉस्ट कॉट बीटा, सो टेन इनवर्स ऑफ कॉट बीटा। अब टेन इनवर्स ऑफ कॉट बीटा हो गया, कॉट को अगर टेन में कन्वर्ट करना है तो फिर लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस बीटा। नाउ टेन इनवर्स टेन कैन बी कैंसल्ड, फॉर दिस पाई बाई टू माइनस बीटा शुड बी बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बट फॉर दैट वी शुड हैव कंडीशन, अगर कंडीशन दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है देन वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी है, दैट्स वाई वी कैन डायरेक्टली कैंसल्ड आउट दिस टेन इनवर्स एंड टेन, हम इजीली इस टेन इनवर्स एंड टेन को कैंसिल करके आंसर डायरेक्टली लिख देंगे पाई बाई टू माइनस बीटा, दैट इज योर आंसर। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड फाइनली ये फोर्थ क्वेश्चन,
ये फर्स्ट सेकंड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर बना लेते, वैसे इतना टफ नहीं है। अगर याद हो तो ये वाला जो है ना, ये फॉर्मूला किस से बनेगा भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स से ये फॉर्मूला बन जाता है ना भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स एक्स बन जाता है टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स बाई वन माइनस एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके सो इट मीन्स वॉट कि ये फॉर्मूला हो गया फाइनली टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, है ना, तीन बार। तो अगर मेरे पास ये थ्री टाइम टेन इनवर्स एक्स है, तो इसका फॉर्मूला मैं अगर उस पर्टिकुलर फॉर्मूला वन की पैटर्न से बनाऊँ, एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन विच इज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। नाउ इफ वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन, देन एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर मेरे ख्याल से। दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। ओके तो सामने टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वाई क्या बनेगा भाई, ये जो वाई बनेगा वो क्या बनेगा, वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, विच इज ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन सी। ओके सो बाय दिस वे वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर फोर ऑल्सो, है ना, इजी। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था JEE के एग्जाम में। ओके वैसे आगे वाले क्वेश्चन भी कोई एक आध IIT NIT में पूछे गए थे, बट आई हैव नॉट मैंशनड इट। ठीक है चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, नए कंसेप्ट के साथ। ओके थैंक यू वेरी मच दोस्तों।